हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंडियन मुस्लिम मॉम पैशन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 10:30 और नाश्ता मेरा हो गया है। तो अभी मैंने सोचा कि मुझे जो है ना थोड़ा सा व्लॉग बनाना है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा फ्री बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा व्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि पूरे दिन में जो है ना अगर मैं आधा घंटा भी अपना व्लॉग बनाने के लिए निकाल लूँगी, मतलब अलग से मैं आधा घंटा बैठकर अपना व्लॉग बना लूँगी, तो भी मेरा व्लॉग इजीली बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पूरे दिन में आधा घंटा तो मैं निकाल ही सकती हूँ, आधा एक घंटा अपने काम के लिए। तो मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, देख रहे हो? तो आज मैंने जो है ना अपने फ़ोटोज़ निकाले हैं, जो मेरे मंगनी के थे और मेरी हरीबेल के थे। हरीबेल यानी कि जब पहला रिश्ता होता है ना, तब हमारे यहाँ पर हरीबेल की जाती है। तो उसके बहुत सारे फ़ोटोज़ मैंने भी निकाले हैं, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। क्योंकि मुझे ना मेरे एक सब्सक्राइबर ने बहुत पहले कमेंट किया था कि बाजी, आप जब भी अपने घर पर जाओगे ना, तो अपने बचपन के फ़ोटोज़ शेयर कर देना। तो मैंने सोचा कि मैं अपने कुछ बचपन के फ़ोटोज़ भी इसमें ऐड कर दूँगी और अपनी हरीबेल की जो फ़ोटोज़ है वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। क्योंकि हरीबेल के जो फ़ोटोज़ है, सारे फ़ोटोज़ अम्मी के यहाँ पर ही है। मेरे यहाँ पर हरीबेल के फ़ोटोज़ शायद से नहीं हैं, आई थिंक। तो मेरे पास हरीबेल के कोई भी फ़ोटोज़ नहीं हैं। अगर होंगे तो एक आध जो है ना मोबाइल के ही होंगे। और ये जो फ़ोटोज़ है ये भी सारे मोबाइल के हैं, तो उसको बाद में जो है ना हम लोगों ने प्रिंट करवा लिया था। तो थोड़ा सा जो है ना धुंधले आपको दिख सकते हैं, लेकिन इसमें एक अच्छी बात मैं आपको बताऊँ, मैं जो है ना यहाँ पर अपना फेस हाइड नहीं करूँगी, मैं आपको पूरा फेस दिखाऊँगी। तो फर्स्ट टाइम जो है ना मैं ये करने जा रही हूँ कि मैं अपने फेस के साथ आपको अपने सारे फ़ोटोज़ दिखाऊँगी। तो आप लोग जो है ना एंजॉय कीजिएगा और वीडियो को जो है ना पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये फ़ोटोज़ जो है ना मैं बहुत ही मतलब खुशी से दिखा रही हूँ आपको। ऐसे नहीं कि कोई प्रेशर में आकर या फिर किसी चीज़ को सोच कर दिखा रही हूँ। तो मैं अपनी खुशी से ये फ़ोटोज़ को शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अच्छे लगेंगे तो कमेंट भी कीजिएगा कि आपको मेरे फ़ोटोज़ कैसे लगे। और तो चलिए बिना बात के स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरे हरीबेल की फ़ोटो। हरीबेल यानी कि जब हमारे पास रिश्ता तय होता है, तो उस वक्त जो है ना छोटा मोटा फंक्शन होता है, कोई ग्रैंड फंक्शन नहीं होता, छोटा मोटा सा फंक्शन होता है। तो बस उसी के फ़ोटोज़ हैं ये। और ये मेरी ननन है जो कि रस्म कर रही हैं, जो भी रस्में वगैरह होती है, दुपट्टा उड़ाना, चूड़ी वगैरह पहनाना और फूल वगैरह पहनाना, तो बस वो सब रस्में हो रही थी, तो उस वक्त एक फ़ोटो ली गई थी। और ये है सेकंड फ़ोटो जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर जो है ना सारी रस्में हो गई थी, और यहाँ पर साइड में जो है ना बहुत से लोग खड़े हैं, लेकिन मैंने उन सबको हाइड किया है। और ये हैं दूल्हे मियाँ यानी कि मेरे हस्बैंड यानी कि हिमाद के पापा, और ये जो उनके बाजू में हैं वो मेरे भांजे हैं। और ये देखिए यहाँ पर हिमाद के पापा ना बहुत अच्छा मुस्कुरा रहे थे, और उनकी जो है ना दो तीन फ़ोटो ऐसी हैं जिसमें वो मुस्कुरा रहे हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और यहाँ पर जो ये फ़ोटो है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि इसका जो लुक है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा मुस्कुरा रही थी, क्योंकि सामने जो है ना मेरे जेठ वगैरह खड़े थे और मुझे बोल रहे थे कि दुल्हन हंसती नहीं है क्या, तो ऐसी सब बातें चल रही थी, तो मैं थोड़ा सा ना मुस्कुरा रही थी। और यहाँ पर हिमाद के पापा यानी कि मेरे हस्बैंड भी मुस्कुरा रहे हैं, और उनके पीछे जो है ना मेरी बहन खड़ी है और मेरा भाई खड़ा है। और ये है नेक्स्ट फ़ोटो। यहाँ पर जो है ना मैंने दो फ़ोटो को मर्ज करके फ़ोटो क्लिक किया था। और मैं जो है ना इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट नहीं आई डोंट नो कब शेयर करूँगी, लेकिन शेयर करूँगी मैं अपने जो एंगेजमेंट के फ़ोटोज़ है वो इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। ये तो हमारी हरीबेल के फ़ोटो है। जब रिश्ता फिक्स होता है ना, तो बहुत छोटा मोटा फंक्शन होता है हमारे यहाँ पर, जिसको मीठा खाना बोलते हैं, तो वो हुआ था, तो वो तब के फ़ोटोज़ थे। और ये जो रेड ड्रेस में आपने फ़ोटो देखा, वो मेरे मंगनी के फ़ोटोज़ हैं। और माशाल्लाह से मंगनी के मेरे पास सारे फ़ोटोज़ हैं, और बहुत ही अच्छे क्लियरिटी के साथ में हैं, क्योंकि वो कैमरे से खींचे गए हैं। और ये जो फ़ोटोज़ आप देख रहे हो ना, ये तब की फ़ोटो है जब मेरा रिश्ता तय हुआ था ना, तो ये फ़ोटोज़ गई थी उस वक्त। तो बस इतने ही फ़ोटोज़ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी अपने सारे मंगनी वगैरह के फ़ोटोज़। तो ये है मेरी बचपन की फ़ोटो, तो इसके बाद आपको मिलेंगे मेरे सारे बचपन के फ़ोटोज़ देखने में। और ये मेरी सबसे फेवरेट फ़ोटो है, जहाँ पर जो है ना मैं अपने अब्बा के शूज़ धो रही थी, तो ये तब की फ़ोटो है। और ये फ़ोटो है जब मैं छोटी थी, जब मैं 2-3 महीने की थी शायद से, 2-3 महीने की नहीं, शायद से मैं 8 महीने की होंगी, क्योंकि मैं बैठी हुई यहाँ पर।
और ये फ़ोटो जो है ना शायद से मैं 3 या 3.5 साल की थी तब की फ़ोटो है। और यहाँ पर जो है ना अभी तक मेरे बाल नहीं उतरे थे। हमारे यहाँ पर ऐसे होता था कि बाल जो है ना जल्दी नहीं उतारते थे, तो नियाज वगैरह होती थी दरगाह पर तो उसके बाद उतरते थे बाल। और यहाँ पर मैं अभी 2 से 3 महीने की हूँ तब की फ़ोटो है ये। और ये मेरे अम्मी हैं और ये मेरे नानी के घर के पास की फ़ोटो है, जब मेरे अम्मी नानी के घर में थे तब की फ़ोटो है वो। और यहाँ पर हूँ मैं, मेरे अम्मी और मेरे अब्बा। और ये है गुलबर्गा के बंदे नवाज दरगाह में हम लोगों ने फ़ोटो उतारी थी, वहाँ पर गए हुए थे हम लोग ज्यारत को तो तब हम लोगों ने फ़ोटो उतारी थी। और यहाँ पर मेरे मामू बैठे हुए हैं जो ब्लू कलर की टी शर्ट में हैं, और सेंटर में मैं हूँ, उसके बाद अम्मी हैं। और यहाँ पर जो है ना जो छोटा बच्चा दिख रहा है ना वो मेरा 2nd नंबर वाला भाई है, यानी कि मेरे बाद वाला। और जो येलो ड्रेस में दिख रही हैं वो मैं हूँ, यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। और जो पिंक साड़ी में है वो मेरे अम्मी हैं और ब्लू साड़ी वाले मेरे चाची हैं। और ये है नेक्स्ट फ़ोटो, ये शायद से जो है ना हमारे खेत में खींची गई है और मैं बहुत ही छोटी थी उस वक्त, शायद से मैं यहाँ पर 7 साल की होंगी। और ये है वन ऑफ़ द फेवरेट फ़ोटो, मेरे अम्मी की सबसे ज़्यादा फेवरेट फ़ोटो है, लेकिन मुझे उतनी ख़ास पसंद नहीं आती क्योंकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा डार्क लग रही हूँ। और ये है हमारी नेक्स्ट फ़ोटो, ये हमारे घर के पास में ही घर था तो उसके सामने हम लोगों ने खड़े होकर उतारा था। और यहाँ पर हम लोग चारों भाई बहन हैं, मैं हूँ, मेरी छोटी बहन है, मेरी 2nd नंबर वाली बहन है और मेरा भाई है। वैसे हम लोग 5 भाई बहन हैं लेकिन जो मेरा छोटा भाई है ना वो उस वक्त पैदा नहीं हुआ था, तो उस वक्त की फ़ोटो है ये। और ये फ़ोटो उस वक्त की है जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी और हमारा फेयरवेल फंक्शन हो रहा था, यानी कि हमारा सेंड ऑफ पार्टी हो रही थी, तब की फ़ोटो है। और लास्ट में आती है मेरे अम्मी और अब्बा की फ़ोटो। तो बस इतने ही फ़ोटो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आई होप कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो ये थे मेरे फ़ोटोज़, आई होप कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आज जो है ना मैंने इस तरह से नोज़ पीस इसलिए बांधा है क्योंकि नोज़ पीस तो मेरी ख़राब हो गई है, और दूसरी बात ये है कि अगर मैं जो है ना ऐसे दुपट्टा बांधती हूँ ना तो सारा मेरा गला वगैरह दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं इस तरह से बांधती हूँ ताकि ये पैक हो जाए। और बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आप जो है ना अपना फेस छुपाते हो और अपने फ़ोटोज़ को दिखा रहे हो, तो इसलिए मैंने आपको दिखाया है क्योंकि जो है ना अगर मैं फेस हाइड कर कर फोटोज़ दिखाऊंगी ना तो फोटोज़ देखने का कोई मज़ा ही नहीं रहेगा और मतलब भी नहीं बनेगा कि आप क्या फ़ोटोज़ दिखा रहे हो, बस आपको बैकग्राउंड दिखेगा। तो मैंने सोचा कि मैं अभी अपना फेस नहीं दिखा सकती हूँ लेकिन पुराने फ़ोटोज़ शेयर कर सकती हूँ, मतलब मैंने अपने दिल से ऐसे सोचा है, मैंने ये सोच कर इस तरह से आपके साथ फ़ोटोज़ शेयर की है, जो मुझे सही लगा मैंने किया है, आई होप कि आप लोगों को भी सही लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा और बुरा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय 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 बाय।